हाय बच्चों, सब बच्चे ठीक हैं? कल सबने न्यू वर्ड्स किए? ठीक है, आइए आज हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। सुंदरी लेसन में से ही हैं दो लाइनें, आइए देखते हैं कौन सी। पेज 81, आपके पेज पे 81 नंबर पे ये दो लाइनें लिखी हुई हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है लेट्स रीड। बेटा लेट्स रीड इसीलिए लिखते हैं कि हमें रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब हमें रीडिंग आएगी ना, हमें पढ़ना आ जाएगा बेटा खुद ही खुद। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। मेरे साथ बोलो बेटे। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। फिर से एक बार, अब मेरे साथ बोलो। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड, फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस, द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। मेरे पीछे बोलो, द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। मेरे साथ, द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। एक बार फिर से दोनों सेंटेंस। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। सेकेंड, द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। आइए बच्चों, अब देखते हैं इन सेंटेंसेस की हिंदी क्या है। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड। डिजी का हमने कल पढ़ा था ना, वर्ड मीनिंग में क्या होता है? चक्कर आना। मैरी गो राउंड होता है जो गोल गोल झूला जाता है, हम सबने देखा हुआ है, घोड़े बने होते हैं है ना, उसपे बैठते हैं। सो इसका अर्थ है मुझे गोल झूलों पर चक्कर आते हैं। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड, मुझे गोल झूलों पर चक्कर आते हैं। सेकेंड सेंटेंस, द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून। बैंड एक धुन बजा रहा था। ट्यून होता है बेटा धुन, प्लेइंग का मतलब हुआ यहाँ बजाना। वैसे प्ले का अर्थ क्या होता है? खेलना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बजाना। अब बेटा आपका होमवर्क, जो आपकी बुक में दो लाइनें हमने पहले पढ़ी वो आप रिकॉर्ड करोगे रीडिंग उसकी और अपनी मैम को भेजोगे, और जो सेंटेंस हिंदी के साथ हमने पढ़े हैं ये दोनों सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी में लिख के मेरे को भेजोगे। सो आज के दो होमवर्क, ठीक है? कोशिश करना इंग्लिश और हिंदी अगर दोनों लिख पाओ बेटा, अच्छी बात है, आपको सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। बाय।